गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो मैं डायरेक्टली अभी मैं दूनागिरी मंदिर हूँ। बहुत ही फेमस प्रसिद्ध मंदिर है, आपने सौरभ जोशी के व्लॉग में भी देखा होगा, जो काफ़ी लोग उसे फॉलो करते होंगे। तो मैं वही मंदिर पर आ रखा हूँ। हमारे गाँव से ज़्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर के अराउंड है, 30 से 35 किलोमीटर। तो अभी मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हम गाँव से यहाँ कैसे आए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि यहाँ से दूनागिरी अभी 7 किलोमीटर बहुत दूर है। और मैं आपको पूरा पीछे व्यू दिखा दूँ और एक चीज़ दिखा दूँ, जो गुफा है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ सौरभ जोशी व्लॉग आए थे, तो ये काफ़ी बहुत ही गहरी गुफा है अंदर, मतलब काफ़ी बड़ी है, कम से कम एक डबल बेड आ जाए इतना, इतनी गहरी है इसके अंदर। दूनागिरी मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ से कुछ स्टेप्स हैं भैया, टोटल कितने स्टेप हैं यहाँ से, कुछ आइडिया? हाँ 300 स्टेप्स हैं यहाँ पे, हमें स्टेयर्स के ऊपर क्रॉस करते हुए जाना है। और हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है दूनागिरी मंदिर का रास्ता, और ये जाते जाते 300 हमें मीटर तक ऊपर जाना है।
300 स्टेयर सॉरी वहाँ तक जाना है और हम फाइनली पहुँच चुके हैं। हम आप ये बोर्ड में नज़र करिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आता है याला जो में टेम्पल है, तो ये काफ़ी प्रसिद्ध है, आप यहाँ भी आ सकते हैं काफ़ी। तो ये रास्ता है जाने को ऊपर दूनागिरी मंदिर को, और ये आसपास के आप यहाँ आओगे कभी तो यहाँ से प्रसाद ले सकते हो। ये पूरा छोटा सा मार्केट है, चुनरी सब कुछ आपको यहाँ कंप्लीट मिलेगा, पानी की बॉटल्स मतलब सब कुछ है यहाँ पे A to Z। तो चले चलो फिर। तो हमें ऐसे 300 स्टेप्स हैं, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए हैवी ड्राइवर गाइस, हमारे हैवी ड्राइवर उन्होंने मौज कर दी। और देखिए यहाँ कोरोना के चक्कर में घंटियाँ बांध रखी है, अगर आपको दिख रहा हो ये देखिए, और कितनी घंटियाँ हैं, बहुत सारी घंटियाँ हैं। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं हर जगह अलग, हर सीढ़ी पे डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इसका ये संकेत है कि हर सीढ़ी जो है टोटल सीढ़ियाँ एक सिंपल एक ऑर्गेनाइज मतलब एक कम्युनिटी ने नहीं बनाई है, कंप्लीट हर किसी का इसमें योगदान है। तो उसमें हर सीढ़ी के आगे अपना नाम, अपना गांव और किस एरिया से वो बिलोंग करता है वो लिख रखा है। अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ एकदम बिल्कुल, अभी तक तो बिल्कुल ऐसे चढ़ाई थी बिल्कुल, अब मैं जो पीछे है ना हालत ख़राब हो रही है, देखिए शायद आपको दिख रहा हो, बिल्कुल खड़ी चलाइए बिल्कुल ऐसे आपको दिख रही है। और अभी चलते हैं आगे। और एक चीज़ और मेरे को यहाँ देखने को मिली जो भैया ने बताया मुझे, ये चुनरी है यहाँ बांध देते हैं पेड़ पे, जिनके यहाँ से रिवाज है, और जिस पहले मन्नत मांगनी होती है, अगर वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है साल दो साल कभी भी वो पूरी हो तो आपको वो चुनरी खोल देनी होती है, तो मतलब आपका मन्नत पूरी हो जाती है कम्प्लीटली। आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ज़्यादा चुनरिया बांध रखी है। भंडारा घर पूरा हॉल है नीचे तक, यहाँ भंडारा होता है कम्प्लीटली दूनागिरी में। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं ये वाला शॉर्ट रास्ता है और ये थोड़ा लॉन्ग रास्ता है पर सुरक्षित है। अभी हम टीन शेड में थे, अब हम बिल्कुल साइड में आ चुके हैं और बस मंदिर के नज़दीक है काफ़ी। और देखिए साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रखी है इन्होंने, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध है, आप कोई भी आए, बच्चे हो छोटे बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, यहाँ पे कूड़ा करकट मत करें प्लीज़।
आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।